I am Nikhil Syal, a passionate dreamer. I came to Gurgaon on 9th of April 2009 with my one and only pool table, which was second hand, and I want to do something new in some entertainment industry. I shifted in 2009, so I pool table first started in DLF Mega Mall. Societies are छोटे-छोटे बने हुए हैं वहाँ पे ग्राउंड, वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, फुटबॉल नहीं खेल सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो देन एक मेरा विजन था कि उसको क्रिकेट को 60 by 10 फीट में उसको क्रिकेट लॉन्च करना जब फिजिकल एक्टिविटी हो। तो आई वाज बीन हैविंग अराउंड 12 टू 14 मशीन्स एवरीवेयर इन गुड़गांव डेली एनसीआर। 2011 2nd अप्रैल को वर्ल्ड कप था हमारा, जो इंडिया जीती है, सारों को पता है, बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम, मैं खुद वहाँ पर था। वहाँ से आने के बाद मेरे को हफ्ते के अंदर अंदर कॉल्स आने लगी किंगडम ऑफ ड्रीम से, बीकानेरवाला से, डीएलएफ सिटी सेंटर से, जो जगह जगह हमारी मशीन्स लगी थी कि नाउ इट इज़ ओवर, क्रिकेट बहुत हो गया, अब क्रिकेट हमने नहीं चलाना। सो दैट वाज माय बैड टाइम, यू कैन से स्टार्ट हो गया था मेरा। वहाँ से 14 में से ओनली 4 मशीन्स वर लेफ्ट एंड 10 वर ऑल विकेटेड। तो काम कम हुआ एंड एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, डायरेक्शन गलत, सब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। तो 2012 में मैंने वहाँ 2 गेम्स, आर्केड गेम्स से स्टार्ट किया। एक लगा कि कुछ वी आर डूइंग समथिंग न्यू इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। देन आफ्टर सम टाइम आई ओपन माय फर्स्ट ILD शोरूम, ILD ट्रेड सेंटर सोनार रोड में खोला। इट वाज माय फर्स्ट 2000 स्क्वायर फीट शोरूम। तो वहाँ से समझ आने लगी कि दिस इज़ द राइट पाथ विच आई फॉलोड। देन आफ्टर फन वर्ल्ड एक आया, फिर 2 आया, DLF मेगा मॉल आया, बड़ा खुला फन वर्ल्ड। तब हमको एक चांस मिला DLF सिटी क्लब फेज 4 में जिम करने का। सो बिकॉज मेरा वहाँ पे क्रेजी क्रिकेट चल रहा था 2009 से, प्लस मेरा एंटरटेनमेंट फन वर्ल्ड छोटा सा जोन चल रहा था। उसके बाद हमने जब जिम किया, जिम की अपॉर्चुनिटी मिली, जिंदर सिंह जी वो हमारे ब्रांड एंबेसडर बने, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, हमेशा आज तक सपोर्ट करते आए हैं। तो 27 अगस्त 2016 में मैं जाता हूँ CP फ्लिप में, MTV का जो, तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ देख के हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। देन जब मैं रात को आया घर, तो मैंने फ़ोन किया सबसे पहले अपारी को, मैंने पारशक्ति को बोला, मैं क्या भाई मैं वहाँ जा के आया, बहुत मज़ा आया। एंड दैट आई प्लान, आई वेंट टू DLF मैनेजमेंट। मैंने बोला कि मेरे को जगह चाहिए, मेरे को एक कॉन्सेप्ट एक मेरे दिमाग में आया है, ऐसे अलग सा करना है कुछ। निखिल को मैं बचपन से जानता हूँ, सिंस क्लास 5 वी हैव बीन स्टडीइंग टुगेदर। तब एक ऐसी फ्रेंडशिप थी विच वी न्यू विल गो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम द सेम स्कूल टीम एंड पंचकुला की टीम से एक साथ खेलते थे, व्हिच आई थिंक इज आल्सो हेल्पिंग हिम इन हिज प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। आई वाज हियर फ्रॉम USA एंड निखिल केम टू मी and he explained me that he wanted to take the nightlife to a next level and wanted to create something extraordinary. Once I met the team, and it was after we looked at the plan, looked at the laptop, looked at the designs, looked at everything, it was something that I've always wanted to do, something that I was part of it in USA also, and that made it much more exciting for me to be part of it. And really I thought that it would be a great idea. 25th ऑफ दिसंबर की बात है, वहाँ पर उनकी सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट 2 में मिक्का की होती है नाइट। तो मैं उनके कान में बस जाके बोलता हूँ, सर मज़ा आ जाएगा अगर ये पाजी हमारे ब्रांड एंबेसडर बन जाए। आप देखो फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है इनकी। एंड आफ्टर 1.5 मंथ और सो वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि मेरे साथ मिक्का की मीटिंग हो गई है, हमने फाइनलाइज कर दिया, तो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने सब बात कर लिया, तो मिक्का इज़ आवर ब्रांड एंबेसडर। निखिल सियाल को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला एंड जब मैंने उनका नाम सुना तो मुझे लगा था कोई बहुत ही 50+ होगा बेचारा, जो इतना बड़ा प्लान लेके आ रहा है। एंड मुझे नहीं पता था इतने वो यंग है। अच्छा आपके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपका है? कहते जी। सो आई थिंक इज वेरी यंग एंड ही नोज द वर्ल्ड एंड आई एम श्योर के जब एक यंग आदमी कोई नई चीज़ लेके आता है, स्पेशली फॉर द यूथ, एंड इट्स वन ऑफ द सुपर हिट। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा इंडिया बसता है, इवन आई कैन से द वर्ल्ड बसता है, जो लग्जरी अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दी, विच वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल। So that is the concept of Just-In, the arena. Yeah, Just-In, Mina, I think this will be a one-stop shop where you can see various kinds of performances, music से related, किसी भी type की performing arts से related, जो आपको अक्सर एक छत के नीचे हर जगह नहीं देखने को मिलते हैं. So all the good talents of the entire country will be getting together under one roof. Just-In के अंदर 4 bowling lanes, 40 feet long bar, premium lounge, high-end arcade games. उसके अलावा हर एक महीने में आपको एक से एक सेलिब्रिटी आएगा परफॉर्म करने के लिए, और आई एम श्योर के मोर देन 500 to 600 पीपल कैन पार्टी एंड डांस। आई वांटेड टू क्रिएट ए क्लब इन USA व्हिच वाज अ मिक्सचर ऑफ द सेम थिंग्स दैट यू गाइस केम अप विद द प्लान, सो इट वाज वेरी मच सिमिलर, सो इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, सो ही ब्रॉट द प्लान, सो आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू बी पार्ट ऑफ इट एंड दैट विल मेक इट मच मोर ईजियर for my dream also come true with this plan also. Just-In naam rakha gaya Nikhil ke bete ke upar, so I think he already has a very close emotional connect to it, and of course agar friends or family आसपास best wishes नहीं भेजेंगे तो I think it's incomplete. So all the very best, Just-In, and I think this is going to be one of the best sports bars in the country. So my best wishes to my brother. Keep rocking, and I'm always with you. Just-In is not a project; it's a dream come true.